प्रातः क्लास चल रहा था 20 जुलाई 1968 शनिवार को। छठे पेज की लगभग मध्य में बात चल रही थी, जिनके मन में भाखी पहनने का आता है कि हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी आपस में भाई बहन, बाकी पहन लें। तो और फिर आता है कि बाकी पहने और गंध करें। तो बाबा कहते हैं वो तो समझो एकदम चट्ट खाते में है, सारा पदमान मर्तबा लौकिक ब्राह्मणों की दुनिया का चट्ट खाते में। तो ऐसों का तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं है। तुम बच्चों को माने कौन से बच्चों को है, कौन से बच्चों को मुख देखना भी अच्छा नहीं है। जो सन्मुख बैठ करके बाप के मुरली सुनते हैं उन बच्चों को, बाप को जो मुंह देखने का अच्छा भी नहीं लगता उनका, जिनके अंदर ऐसे ऐसे भाखी पहनने के या गंध खाने के संकल्प चलते हैं। या जिसको ख्यालात भी होती है मूत पलीती बनने की भ्रष्ट इंद्रियों से, तो समझो कि जैसे यहां बाबा के सामने अछूत बैठे हैं, स्वच्छ नहीं है, गंदी आत्माएं हैं, अछूत हैं। जैसे दुनिया में जो अछूत शूद्र होते हैं ना, तो उनको ब्राह्मण जो होते हैं वो भक्ति मार्ग में छूते भी नहीं है, वो तो देह को नहीं छूते हैं। यहां तो बाप कहते उनका मुंह भी देखने की दरकार नहीं, क्योंकि बुद्धि उनकी गंध खाने में लगी रहती है। वो भ्रष्ट इंद्रियों का गंध याद आता रहता है। बरोबर मैं बाबा जो कहते हैं मैं बरोबर अछूत हूं, शूद्र हूं, ब्राह्मण नहीं हूं। कनेक्शन तो ब्राह्मणों की दुनिया में बहुतों का लगा रहता है, जिनमें ब्राह्मण भी हैं परंतु नंबरवार कुरियों के ब्राह्मण हैं। कोई चंद्रवंशी बनेंगे, कोई सूर्यवंशी बनेंगे, कोई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होंगे, बौद्ध धर्म में जाएंगे, क्रिश्चियन धर्म में जाएंगे, उनके सहयोगी धर्मों में जाएंगे। कनेक्शन बुद्धि का बहुत रहता है। और बाप कहे नहीं बच्चे, क्यों नहीं बच्चे, अरे ये फिर देश है, कौन सा देश, मेरा देश, कौन सा देश है नाम का, भारत, भावन ज्ञान की रोशनी में रत रहने वालों का देश। अब उनमें चाहे वो डायनेस्टी हो जो महाराजा महारानी बनते हैं, या
राज्य में राजेदारी बनते हैं। महामात्य भी होते हैं ना, या छोटे मोटे अधिकारी बनते हैं। राज फैमिली के सदस्य बनते हैं, नहीं तो दास दासी बनते हैं राज फैमिली में। तो ऐसे ऐसे ब्राह्मणों का कनेक्शन तो बहुत लगा रहता है ना, और बाप क्या कहते हैं, सुप्रीम सोल गॉड फादर कहते हैं, नहीं बच्चे ऐसा नहीं करना, ऐसे संकल्पों में रमण नहीं करना। अरे तुम बच्ची तो आत्मा बन गई ना, शरीर में होते हुए तुम आत्मा बने, ऐसा अगर पुरुषार्थ बन जाता है मनसा वाचा कर्मणा, तब जैसे कि तुम देवता बन जाते हो। कहाँ कलाबद्ध सतयुग में के स्वर्णिम संगम युग में, ऐसा स्वर्णिम पुरुषोत्तम संगम युग में ही तुम जैसे जैसे प्रैक्टिकल में देवता नहीं लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी देवता बन जाते हो। ये छोटी के ब्राह्मणों की अवस्था रखने से ही तो देवता बनते हो ना, नौकरी के ब्राह्मण गाये हुए हैं तो छोटी के ब्राह्मण कौन हुए, उनका कोई टाइटल है? हाँ बताओ एक अक्षर में। कितनी देर लगती है एक अक्षर लिखने में, एवरेस्ट एवरेस्ट चोटी के ब्राह्मण हो? एवरेस्ट चोटी तो अब्बल नंबर जो आत्मा है रुद्रमाला की, जो आदम सो आदिदेव बनता है उसका नाम है एवरेस्ट। एवरेस्ट चोटी के दिल में बसे हुए हो है कि बीच बीच में उतर जाते हो, चलो भाई अपने अपने घर चलो, अपने क्वार्टर चलो है, क्या होता है? जन्म ही तुम्हारा बदल करके फिर वो हो जाते हैं क्या, जो पुरुषोत्तम संगम युग में महादेव और महादेवी के साथ ही संगी साथी बनते हैं, राज परिवार के सदस्य बनते हैं। कब की बात? तब की बात जब तुम्हारे में ये कोई भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कोई भी एक भी भूत नहीं, वो सहमी भी नहीं हो, एकदम जरा भी नहीं हो। देखो कितने बहुत बच्चे हैं मेरे जो आके बहुत कहते हैं, बाबा माया की लड़ाई बहुत लगती है। अरे लगती है कि नहीं? लगती है, बच्चा सच्चा तो है, बड़ा झगड़ा लगता है। मनसा से, मनसा के संकल्पों से अंदर अंदर वाचा चलती है ना,
है, जैसे वो भगत लोग होते हैं ना, एक तो मुंह से बोलते जाते हैं राम 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 राम, गुड़िया गटकते जाते हैं माला की, दूसरे वो होते हैं मानसी जप करते हैं, मन के अंदर राम राम चलता रहता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती। तो ऐसे झगड़ा चलता है मनसा में, वाचा में, अंदरूनी वाचा में, क्या झगड़ा चलता है, हाथ से टच भी नहीं करने देते। वो बोलता है, अरे क्या हम भंगियानी हैं, भंगिन हैं, शूद्राणी हैं, क्या हम भंगी हैं, क्या हम फलाने हैं। फिर तो देखो ऐसी बहुत अंदर अंदर रड़ियां मारती रहती। बाप समझाते हैं, अरे अब ये मनसा की वाचा की रड़ियां मारना बंद करो। अच्छा, थोड़ा लगा के आहिस्ते आहिस्ते फिर उनको समझाए करके, समझाते समझाते उनको चलाते हैं। ऐसे तो अंत तक के पुरुषार्थ में हाथ लगाना भी एकदम छोड़ देने का है, समझा? किनकी बात बताई? जिनको रुद्रमाला में आना है उनकी पहले बात बताई कि जो विजयमाला में भी पिरोए जाएंगे उनकी बात बताई है? दोनों की बात बताई। पहले रुद्रमाला में तो आ जाओ, रुद्रमाला पहले बनेगी कि विजयमाला पहले बनेगी? क्या बनेगी पहले? रुद्रमाला बनेगी 108 की, उसमें भी जो पास विदानर है उनकी माला बनेगी, अष्ट देवों की। तो बताया, अंतिम पुरुषार्थ की स्टेज में तो एकदम बुद्ध रूपी हाथ भी लगाना छोड़ देना है। सो भी जवान जो हैं ऐसी अवस्था में, बुढ़े बुढ़ियों की बात नहीं बताते हैं कि उनकी ऐसी स्टेज बन जाएगी, ये तो कोई खास बात नहीं हुई। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जवान भी मरने के हैं, तो जो बुढ़े हैं वो भी मरने के हैं कि नहीं? कैसे मरेंगे हा? कैसे मरेंगे है? जैसे ब्रह्मा बाबा मरेंगे? अरे कैसे मरेंगे है? देवांश मरेंगे। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरह है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले देह से शरीर से छूट जाए, आत्मा अलग हो जाए और मरने वाले ऐसे बने? नहीं। तो ये पक्का है, जो भी अपन को समझते हैं कि हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, बुढ़ापे की अवस्था है, उनको भी मरना है। चाहे हद की मौत मरे और चाहे चाहे बेहद की मौत मरे, तो मरना तो सबको है। लेकिन अभी बच्चों में तो ये है ही नहीं, जहल है, सब बच्चों को समेट लिया। वर्तमान का रिजल्ट भी दे दिया, अभी सब बच्चों में तो ये स्टेज है। इन कौन सी स्टेज? क्या बात हो रही थी? बाकी पहनने की है। कैसे बाकी पहनी जाती है? ज्ञान इंद्रियों से भी पहनी जाती है, आंख में आंख डाल के बैठे हैं, देखें एक दूसरे को, और फिर कर्म इंद्रियां जो भ्रष्ट कर्म इंद्रियां कही जाती है उनसे भी मिले, और फिर
ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों, दसो इंद्रियों से एक दूसरे से, जैसे जिसे दुनिया वाले कहते हैं संभोग, उस समय मिले। तो बच्चों को ये है ही नहीं, ये स्टेज उनको तो श्री श्री शिव बाबा कहते कहते तभी भी शिव कौन कहते, शिव बाबा सिर्फ बाबा नहीं, स्वर्ग में तो चले जाएंगे ना बच्चे है? अगर नहीं भी ऐसी स्टेज बनी है मनसा में वाचा में कर्मणा में है कि बाकी पहनने की दिल नहीं होती है तो क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा? हा? बाकी पहनना माना क्या, जल माने ही नहीं मालूम जिंदगी भर हो गई मुरली सुनते सुनते है। बाकी पहनना माने छाती से छाती मिलाए, बाहों से बाहें गलमहिया बल गल में गलमहिया डाल करके मिले, और सारी इंद्रियों से है मनसा से अंदर की वाचा से कर्मेंद्रियों से है प्रैक्टिकल में मिले, माने शरीर की इंद्रियों से मिले, उसको कहते हैं भाखी पहनना। उसमें भी नंबर वार है भाखी पहनने वाले। तो बाप कहते हैं ना, थोड़ा ही मुझे जो कोई भी याद करते हैं है तो वो प्रजा में भी तो आ जाएंगे ना। थोड़ा का मतलब क्या हुआ है, बाबा बाबा जैसे बुढ़िया और बुढ़े लोग करते हैं, बुढ़े तो कम बुढ़िया ज्यादा करती हैं, बाबा 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 ज्ञान बुद्धि में उतना बैठता नहीं, तो मुख से बाबा बाबा कम बोलते हैं तो भी कहाँ जाएंगे है, स्वर्ग में तो आ जाएंगे। कौन से स्टेज में आ जाएंगे है, महाराजा महारानी की स्टेज में आ जाएंगे, या त्रेता में राजा रानी की स्टेज में आ जाएंगे, या राज फैमिली की स्टेज में आ जाएंगे, या राज फैमिली के जो दास दासी हैं उनकी स्टेज में आ जाएंगे, या फैमिली में रहने वाले जो भी सदस्य हैं उनसे बाहर जो प्रजा वर्ग रहते हैं, प्रजा तो भरी ढोने वाली होती है ना, हाँ, तो उस प्रजा की लिस्ट में, उस प्रजा में भी चार स्टेजेस बताई, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा। तो ऐसे प्रजा वर्ग में भी आ जाएंगे ना बच्चे है, कौन है जो मुझे थोड़ा भी याद करते हैं, थोड़ा का मतलब क्या हुआ है, दृष्टि लेते हुए याद करते हैं है? मुख से बोल बोल के बाबा 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 बा भक्तों की तरह याद करते हैं, क्योंकि बाप के भक्त भी तो हैं, नहीं बाप के वारसदार भी हैं तो बाप के बच्चे भी हैं, बताया मतलब पे? कि प्रजा वर्ग में जाने वालों के भी अंदर भूत नहीं होने चाहिए, भूतों की बदली में एक शिव बाबा चाहिए। क्या? क्योंकि भूत तो सब में प्रवेश करते हैं, कोई में काम का भूत मनसा वाचा कर्मणा, कोई में क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत, देहधारियों की संबंध का मोह छोड़ ही नहीं पाते। उनसे कहो बाबा के घर में सरेंडर हो करके रहो तो छोड़ छाड़ के रहेंगे है, बिल्कुल नहीं है, एकदम मना कर देंगे, अभी नहीं है, अभी टाइम पड़ा बहुत, तो लेट लतीफ हो जाएंगे तो प्रजावर्ग में जाएंगे कि राजघराने में आएंगे। राजघराने की संख्या कितनी है पता है, है? हाँ, अरे एक अक्षर लिखो 16108, मतलब कोई भी भूत नहीं चाहिए, एक शिव बाबा
दूसरा दूसरा न कोई। तो बच्चों को बहुत बाबा समझाते रहते हैं। बहुत बाबा क्या, दो चार बाबा हैं, हैं? कि ये भी हमारा बाबा, ये भी हमारा गुरु है, ये भी हमारा टीचर, जैसे बताएगा वैसे चलेंगे। बहुत बाबा माने माने समझाने की बात बताई कि बाबा बहुत तरीके से समझाते रहते हैं कि अपनी जांच करो। और जांच करने के लिए जिनसे कहते हैं वो बच्चे बैठे तो यहां बहुत हैं, माने एक दो नहीं है, बहुत हैं। कहां यहां माने कहां, सन्मुख बाबा के सन्मुख बैठे हुए हैं, प्रैक्टिकल में शरीर से। तो यहां बैठे हैं, देखो पूछो उन बच्चों से, पूछो जो बहुत बैठे हैं कि किसी में क्रोध तो नहीं है, कभी आंख है लाल लाल, मुंह चेहरा लाल लाल, तमतमाए तो नहीं जाता है क्रोध में, मुख से धड़ाम पड़ाम बोलते तो नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी में तुम देखेंगे क्या, जो भी सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं बाबा के सामने बैठ करके पढ़ते हैं, वो उनकी रिजल्ट बताई कि वो मेजॉरिटी में तो नहीं है ऐसे, लेकिन माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी माने थोड़े, तो मेजॉरिटी देखें उनमें क्रोध है। घर में जाएंगे है? कौन से घर की बात बताई, लौकिक घर होता है ना, जहां लौकिक संबंधी देह के संबंधी मिलते हैं, लौकिक घर में जाएंगे है? गालियां मुंह से निकलने पड़ेंगे, ए हरामजादी, ए फलानी, ए ए ससुरी, ए ससुरे, ये गालियां वो गालियां, अरे मुख से गालियां बिगर देने रह ही नहीं सकेंगे। अभी ऐसे भी बच्चे हैं कि कोई गाली देता रहे तो उनके सामने ठंडे होके रहेंगे, क्रोध क्रोध नहीं आएगा, हंसते रहेंगे मुस्कराते रहेंगे। ऐसे भी बच्चे हैं, बाबा के सन्मुख बैठने वाले बच्चों की बात हो रही है ना, ठंडे दिमाग रहेंगे। हाँ कोई होगा जो अंदर से मुख से बोलता रहेगा, तुम हरामजादी हो, तुम हमारा हमजादे हो, तो कुछ भी कहेंगे तो वो हूबहू है मुख से निकलेगा, ए कुत्ते का बच्चा, बोलेगा तुम कुत्ते का बच्चा हो तो हम क्या हैं, क्या है? हाँ, अगर हम हैं तो तुम भी हो, दोनों में ही झगड़ा लग पड़ेगा। बस गालियां दी तो ये लड़े, और लड़ाई लड़ते लड़े वो लड़ाई आंखों से वाचा से उतर करके अगर कर्म इंद्रियों में आ गई तो क्या करेंगे, एक दूसरे को हाथ हाथ पांव चलाएंगे कि नहीं, नहीं चलाएंगे। घर में जाने की बात बताई, लो के घर में जाने की, थोड़ा हाथ लगाया फिर से, हाँ वही। अभी इतने सब भूतों को भगाने का है, जब संपूर्ण बिल्कुल भगाए देवे, मनसा में भी ना आवे, बिल्कुल क्लियर आत्मा हो जावे एकदम, तो
तो शरीर भी याद ना आवे। तब ये पद पाए सकते हैं, कौन से पद कौन कौन से पद बताए? बाबा की मालाएं है ना, है? बाबा की बाहों में भी मालाएं दिखाते हैं, गले की भी माला दिखाते हैं, और सर के ऊपर भी कितनी? आठ की माला। गले में 108 की माला, और बाहों में ढेर सारी मालाएं पड़ी हुई हैं, कलाई से लेके कंधे तक कितनी? 16108। ये जो नंबर वार पद हैं मालाओं के, वो पद पाए सकते हैं एकदम ऐसी निर्विकारी, कोई विकार न रहे, तब ये पद पाए सकते हैं, नहीं तो थोड़े ही पाए सकेगा। ओम शांति।